लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा माइकल और ट्रेवर फ्रैंकलिन को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते, लेकिन फ्रैंकलिन पूरी तरीके से मर चुका था और अलोक का कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए ट्रेवर फ्रैंकलिन को लेके मैंशन के ऊपर लेके जाता है और वहाँ पे लेस्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता है और तभी वहाँ पे एक खतरनाक सा ब्लास्ट हो जाता है जिसके अंदर फ्रैंकलिन तो ठीक हो जाता है लेकिन ट्रेवर को सुपर पावर मिल जाती है। और दूसरी तरफ माइकल गॉड एवेंजर को हेलीकॉप्टर के अंदर बिठा के 257 के अंदर पहुँचा देता है। वहाँ पे पहुंचने के बाद शिनचैन और एस्ट्रो को पता चल जाता है डॉक्टर हवार्ड उनकी सच्ची में हेल्प कर रहा है। और ये वाला जो डॉक्टर हवार्ड है ये इस यूनिवर्स का नहीं दूसरे यूनिवर्स का अच्छा डॉक्टर हवार्ड है, इसीलिए वो सारे के सारे डॉक्टर हवार्ड के ऊपर भरोसा रख लेते हैं और सारे गॉड एवेंजर को रखने के लिए एक बड़ा सा बेस बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े काजूस हमला करने वाले थे। और दूसरी तरफ डार्क लैंटर्न सारे लैंटर्न सिटी को तबाह करने के लिए लैंटर्न सिटी पहुंच जाता है लेकिन वो एक ईंट तो हिला नहीं पाता और तभी वहाँ पे उसकी पावर कम जिस चीज की वजह से हो रही थी यानी पैरालाइज वहाँ पे पहुंच जाता है। अब आगे नहीं ये क्या ये किसके बीच में हो, मुझे तो लगा मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं अभी तक मैं बचा हूँ। लेकिन ये क्या ये काजू को किसने मारा, फ्रैंकलिन ने अकेले वो ठीक तो है, फ्रैंकलिन को लगा होगा मैं मर चुका हूँ लेकिन इस काजू ने मुझे अपने हाथों से पकड़ लिया था, जो इसने लेजर मारी थी उसकी वजह से मैं गॉड एवेंजर से बाहर निकल चुका था। कोई बात नहीं चलो अब चलता हूँ। तुम लोग कौन हो, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है यहाँ पे। हमें एलियंस। क्या कहा एलियंस? नहीं चलो सब लोग कोई देखे इससे पहले काइजू को लेके आओ। चलो मैं इस लड़के को लेके अपने बेस पे चलता हूँ, तुम लोग इस काइजू को लेके आना, इसने हम लोगों को देख लिया है, ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, हमारी दुनिया समंदर के अंदर है और ऊपर वाले लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हा, हा, हा। चलो काइजू को बनाते है। ये क्या ये कहाँ पे आ रहा है, मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लगता है पानी के अंदर था, वो क्या चीज है और वो एलियंस कहाँ पे गए, लगता है वो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे थे, वहाँ पे कुछ तो है मुझे जाके देखना पड़ेगा, यहाँ पे छुप के देखता हूँ वहाँ पे कौन खड़ा है। ओह नो ये क्या पला है, ये तो वही एलियन है जिसने मुझे मारा था बेहोश करके यहाँ पे लेके आए, लेकिन ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे है, लगता है ये बड़े बड़े एलियंस इन काइजूस को बना रहे और हमारे अर्थ के ऊपर भेज रहे, ये नहीं हो सकता, मुझे इन्हें रोकना पड़ेगा नहीं तो सारे एवेंजर्स को और फ्रैंकलिन को बताना पड़ेगा कि ये सब कुछ अंडर वाटर से हो रहा है, ये लोग समंदर के अंदर रह के एलियंस को बना रहे, ये बात मुझे इंसानों तक पहुंचानी पड़ेगी नहीं तो ये एलियंस पूरे इंसानों को खाक बना देंगे, मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। तुम कौन हो, तुम्हें हमारे बारे में पता चल चुका है। क्या कहा, तुम्हें हिंदी आती है, हमें तुम्हारी दुनिया की सारी भाषा आती है, अब हम तुम्हारे धरती पे हमला करने वाले हैं, रोक सके तो रोक लो, लाखों काइजूस तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे समंदर के अंदर से, और इन्हें बनाना चालू हो चुका है। अब समझ में आ गया, तुम जैसे चंपू लोग हमारा सामना नहीं कर सकते, इसीलिए अलग अलग दानवों को बना के हमारे अर्थ के ऊपर छोड़ रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं आज तो तुम्हारा काम तमाम होगा। ये ले। कितने को मारोगे, हम एक झुंड है, चींटियों को कितने मसलते हो, लेकिन चींटियां फिर से आ ही जाती है। अब समझ में आ गया, तुम लोग चींटियों के जैसे काम करते हो। ओ ओ ओ नहीं, तुम मुझे रोकोगे, कोई बात नहीं, इवोल्वेशन स्टार्टेड, इवोल्वेशन सक्सेसफुल। ये क्या तुम क्या बने हो, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। ये लो, कहाँ पे भाग रहे हो, कोई नहीं बचेगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा, आ जाओ। ये क्या तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम सबका नामो निशान मिटा रहा हूँ। नहीं, सारे काइजूस को भेज दो। क्या कहा, सारे काइजूस नहीं। अरे यार मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग तो अपना अपना देख लो, अगर कोई काम हो तो बता देना, उसके बाद लेटर आ जाएगा। मेरा पैर टूट गया रे बाबा रे बाबा, यहाँ पे जो फ्लोम ब्लास्ट हुआ तुम्हारे लिए कार भी छोड़ दिए, बाइक भी है, जिससे भी जाना जाओ, लेकिन मुझे मत बुलाना। ओए लेस्टर रुक तो जाओ, हमें पूरी दुनिया को बचाना है। अरे कोई बात नहीं, मुझे मत बताना, तुम अपना अपना देखो। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, हम दोनों संभाल लेंगे, अब दोनों के पास पावर आ गई है। वही तो, तुम दोनों के पास पावर आ गई और मेरा पैर तोड़ दिया। भागो रे भागो रे भागो रे, ये क्या, यहाँ पे तो एक चॉपर है। ओए वो हमारे लिए रुका दे, हमें जाना है जल्दी जल्दी। तुम्हारे लिए मैंने बाइक छोड़िए, बाइक ले जाओ। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ड्राइवर भी बहुत ही खतरनाक सुपर हीरो बन चुका है। मैं कहा तुम लोग सुपर हीरो बनो और मुझे फंसाओ। चल लेस्टर घर जाके वड़ा पाव खाते हैं।
कोई बात नहीं, अब भले टीम पोर लैंटर्न या ग्रीन लैंटर्न कोई हो या ना हो, मैं जिंदा बचूं या ना बचूं, लेकिन ड्राइवर मेरे भाई मेरे दोस्त तू तो रहेगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन, अब मैं भी बना हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक लैंटर्न, ड्राइवर द ग्रीन लैंटर्न। कैसा लग रहा हूँ? अरे यार ये तो गलत बात हो गई गाइस, मेरी पावर की वजह से ड्राइवर भी अब एक ग्रीन लैंटर्न बन चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या आप चले? शिनचैन को बचाना है, इस दुनिया को भी बचाना है, और एवेंजर्स डार्क लैंटर्न और पैरेलेक्स के कब्जे में है, उन्हें भी छुड़ाना है। अरे कोई बात नहीं, उनको हम ऐसे ही हरा देंगे। अब मेरे पास भी ग्रीन लैंटर्न की शक्ति आ गई है, ये देखो। अरे ये क्या, मैं उड़ नहीं पा रहा। तुम इसीलिए नहीं उड़ पा रहे क्योंकि तुम्हें अभी अभी लैंटर्न की पावर्स मिली है। चलो बैठो। यार ये तो गलत बात है फ्रैंकलिन, तुम तो पहले शन पे उड़ जाते थे। क्योंकि वो पावर्स मेरी थी, मैंने अपनी मनोबल की पावर से ग्रीन लैंटर्न की पावर्स को हासिल किया था, उन्हें समझा था। तुम्हें भी अपनी पावर को समझना पड़ेगा ड्राइवर। क्या कहा, कैसे समझते हैं? इसका कोई होमवर्क होता है क्या? इसे मस्ती में मत लेना, जो दिखता है वो है नहीं। ये ग्रीन लैंटर्न की पावर तुम्हें बहुत इजी लगती है, तुम्हें मिली है तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से। जो भी होता है अच्छा होता है, इसीलिए ये सब कुछ जो भी हुआ इसीलिए इसमें हम सबका ही फायदा है। हमारे पास हीरोज कम थे, अब तुम भी एक सुपर हीरो हो, तुम भी हो ट्रेवर द ग्रीन लैंटर्न। अरे गाइस सारे के सारे निको ट्रेवर द ग्रीन लैंटर्न ओपी। लेकिन हमें करना क्या है? अब हम लोगों को शिनचैन को ढूंढना है, और उसके बाद डॉक्टर हावर्ड हमारी हेल्प करने वाला था, और माइकल को भी एवेंजर्स के बारे में बताना पड़ेगा। एवेंजर्स को अलग मल्टीवर्स में कैद करने वाला और कोई नहीं है, दूसरे यूनिवर्स का दूसरे टाइमलाइन का पैरेलेक्स है। चलो आज पैरेलेक्स का और दूसरे यूनिवर्स के डार्क लैंटर्न का काम तमाम करेंगे, क्योंकि हमारे पास है ट्रेवर द ग्रीन लैंटर्न। ये क्या, ये कैसे उड़ाई? इसे तो बोलते हैं ग्रीन लैंटर्न की शक्ति। अब ऐसी शक्ति है मेरे पास लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है। लेट्स गो। अरे फ्रैंकलिन क्या हम लोग पहुंच गए? क्या तुम्हें और स्पीड चाहिए? हाँ चलो और स्पीड चाहिए। माइकल तुम यहाँ पे? हाँ मैं यहाँ पे हूँ, जल्दी बेसमेंट के अंदर आ जाना। अरे फ्रैंकलिन इतनी देर कार क्यों चला रहा है? अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, यहाँ पे जाना था वहाँ पे नहीं। सीधा सीधा आ जाओ जल्दी। ओके हम आ रहे हैं। लेट्स गो। अरे नहीं इतनी तेज, हमें कुछ भी करके आज दुश्मनों का काम तमाम करना है फ्रैंकलिन। ये क्या भला है? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम लोगों ने यहाँ पे ये बनाया क्या है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यही सब कुछ है। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया शिनचैन? अरे और क्या, हम लोगों ने बेस बना दिया है, और ये रहे हमारे सारे के सारे कॉस्मिक सूट। चलो अब दुनिया को बचाते हैं। तुम हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे पैरेलेक्स? क्या कहा, हम तुम्हारा साथ कदापि नहीं देंगे। अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हमें तुम्हें मारना पड़ेगा इस यूनिवर्स के पैरेलेक्स। तुम कौन हो? तुम मुझे फ्रैंकलिन द इम्फोर लैंटर्न लगते हो, मुझे जिंदा कैसे किया? मैंने तुम्हें कोई जिंदा नहीं किया, तुम यहाँ पे आके मेरा रास्ता रोक रहे हो, मेरी पावर्स को कम कर रहे हो। मैं क्या करूँ, मेरे पास मनोबल की पावर है, इसीलिए मेरी पावर कम हो रही है, क्योंकि मेरी पावर भी तो मनोबल की पावर है। बस तुम्हारे पास डर की शक्ति है और मेरे पास विश्वास की। तुम बनाया किसने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो, मुझे जिंदा जिसने किया है मैं उससे मार दूंगा। क्या कहा, तुम उसे मारोगे? तो वो रहा, उसने तुम्हें जिंदा किया है। ये क्या, ये तो मैं ही हूँ। सही कहा, मैं भी पैरेलेक्स। क्या कहा, तुम भी पैरेलेक्स? सही कहा, मैं भी पैरेलेक्स, लेकिन अलग दुनिया का। क्या तुम मेरे साथ इस दुनिया को बर्बाद करने में साथ दोगे? बताओ, तुमने मुझे जिंदा किया है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये हुई ना बात। अब ये पूरी दुनिया हमारे कब्जे में होगी। चलो एक दूसरे की पावर्स बढ़ाते हैं, इस सिटी को तबाह करके। नहीं अभी नहीं, रुक जाओ। इस सिटी की पावर लैंटर्न से आती है, मैं सारे लैंटर्न को यहाँ पे बुलाऊंगा, और हम दोनों उन सारे लैंटर्न को चूस चूस के उनकी मनोबल की पावर छीन लेंगे, और डर की पावर उनके अंदर डाल के उनको हमारी तरफ करेंगे और सेना बनाएंगे। और इससे होगा, अब तक जो लैंटर्न दुनिया की रक्षा कर रहे थे वही उन्हें खत्म करेंगे। सही कहा।